भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी यानी कि सन फार्मा के चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आ गए और इस बार कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अनुमान के सामने किस तरीके के नतीजे उस पर बात करेंगे और उसके बाद डिविडेंड को देखेंगे। तो फ्रेंड्स जो पिछले साल 8,184 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन थी वो इस बार ऐसा माना जा रहा था कि 8,670 करोड़ के आसपास आ सकते हैं। मगर फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो इस बार रेवेन्यू फ्रॉम्स ऑपरेशन 8,522 करोड़ है यानी कि उम्मीद से लगभग 150 करोड़ के आसपास कम आई है। तो यहाँ पर रेवेन्यू का आंकड़ा तो उम्मीद से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 838 करोड़ था वो इस बार 1,575 करोड़ है यानी कि फ्रेंड्स ऑपरेटिंग फ्रंट पर बहुत ही शानदार जंप हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 गुना हो गया ऐसा हम कह सकते हैं। और इस बार एक एक्सेप्शनल आइटम है 672 करोड़ की जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा कम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल जो 399 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो इस बार 894 करोड़ है और यहाँ पर फ्रेंड्स 1,443 करोड़ तक ये प्रॉफिट रहने का अनुमान था। तो फ्रेंड्स ओवरऑल यहाँ पर अनुमान से कम नतीजा है ऐसा हम कह सकते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से प्रॉफिट में थोड़ी ज़्यादा ही हमें अनुमान से कमी दिखाई दे रही है और इसके अलावा फ्रेंड्स डिविडेंड इस बार सन फार्मा ने 2 रुपये पर शेयर का ऐलान किया है और ये 17 सितंबर तक हमें मिल जाएगा।